हे वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल द फार्मा वर्ल्ड जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ तो गाइस जैसा कि कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ डोज फॉर्म के बारे में सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में थोड़ा हमने डिस्क्राइब कर लिया था कि किस किस टाइप के होते हैं कौन कौन से मैंने कुछ फोटोज वगैरह भी दिखाई थी तो ये पीपीटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लेना इसके साथ साथ हमने ड्रग थेरापिटी एक्शन क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था एक्सीपीए का कहा यूज होता है डोजेस फॉर्म कैसे प्रिपेयर होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म फिजिकल स्टेट में और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सॉलिड फॉर्म जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं टैबलेट कैप्सूल टैबलेट्स के बारे में, के बारे, में, के बारे, में के बारे में इसके अपार्ट आज का हमारा लेक्चर कंटिन्यू रहता है इसके अंदर हम डोजेस फॉर्म पढ़ेंगे लेकिन कल हमने सॉलिड का सॉलिड का डोजेस फॉर्म पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अपना लिक्विड का डोजेस फॉर्म तो बिना टाइम का वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म कंटिन्यू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू इस आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर के बाद आप आइडेंटिफाई कर पाओगे डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म को डिफाइन कर पाओगे वेरियस डोजेस फॉर्म को डिफाइन कर पाओगे क्लासीफाई कर पाओगे लिक्विड डोजेस फॉर्म को डिफरेंशिएट कर पाओगे सिरप और एग्लिजर को डिफरेंशियट कर पाओगे गार्गल और माउथ वॉश को और डिफरेंशिएट कर पाओगे आप सस्पेंशन और इमल्शन को जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस टाइप का होता है डोजेस फॉर्म लिक्विड डोजेस फॉर्म मोनोफेजिक एंड बायोफेजिक मोनोफेजिक्स टू टाइप्स के होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरनल जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है उसके अंदर आता है सिरप एलिक्सर लिंगटस एंड पेड्रिक ड्रॉप एक्सटर्नल जो होता है एक्सटर्नल के अंदर आता है हमारा लिनिमेंट लोशन माउथ वॉश थ्रोट पेंट स्प्रे आई लोशन आई ड्रॉप नेजल ड्रॉप डाउचेज एंड एनामेज बाईफेजिक मैंने पहले ही बताया था कि बाईफेजिक वो होते हैं जिनके अंदर दो फेज का यूज किया जाता है तो बाईफेजिक के अंदर आता है हमारा इमल्सन एंड सस्पेंशन एज यू नो सभी जानते हैं यार कि इमल्सन के अंदर हमारा दो फेज होता है सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का इंटरनल यूज क्या है सिरप आप अगर मैंने जो अभी टेबल बताई थी उसमें देखोगे कि, कि इंटरनल यूज जो होता है वो सिरप का आ, सिरप का यूज होता है इंटरनल बेसिकली स्वीट विस्कस का सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज स्वीट होता है विस्कस होता होता है होता है सुग्रोज का जो होता है वो शुगर का वो सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट वेट बाय होता है इसके अंदर विकल जो यूज किया जाता है वो बिटर ड्रग होता है जो हमारा कड़वा उसको डाला जाता है तभी इसमें स्वीट का यूज किया कि हमारा जो बिटर ड्रग है वो कड़वा ना लगे मेडिकेटेड सिरप आर फ्लेवर्ड सिरप जो मेडिकेटेड सिरप होता है वो फ्लेवर्ड सिरप होता है एग्जाम्पल के लिए सिंपल सिरप जिंजर सिरप ऑरेंज सिरप इन सब के अंदर हमने फ्लेवर्ड यूज किया हुआ है 66.7 वेट वेट बाय इसके अंदर क्या क्या होता है हमारा सेल्फ प्रिजर्वेटिव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सर्वाइवल ऑफ माइक्रोजिज्म इज डिफिकल्ट अब क्या क्या हमने सेल्फ प्रेजर्वेटिव डाला है जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर से इंक्रीज होने से क्या होगा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव होने में डिफिकल्टीज आएगी अगर हमने 66.7 परसेंट से ज्यादा अगर सुगर सॉल्यूशन ले लिया है तो वो क्या हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हो जाएगी और अगर 66.7 परसेंट से हमने कम ले लिया है अपना सुगर सॉल्यूशन तो वो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो जाएगा उसमें माइक्रो उगने के पैदा होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे नेक्स्ट आता है हमारा एलेक्जर एलेक्जर जो होता है वो क्लियर प्लीज एंड फ्लेवर्ड स्वीट एंड हाइड्रो एल्कोहलिक सब्स्टांस होता है पोटेंट ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक एंटीस्टमिन एंड नॉन मेडिकेटेड एलेक्जर फ्लेवर्स एंड वेहीकल्स एग्जाम्पल पिपराजिन एंड सिट्रेट एलेक्जर मतलब जितने भी मीठे सिरप होते हैं वो हमारे सिरप्स के अंदर होते हैं और जितने भी हल्के कड़ुए लाइक एंटीबायोटिक्स हो गए एंटी हिस्टाम हो गए और एंटी सेंसिटिव हो गए ये सब कुछ हमारे एलेक्जर्स में आते हैं एलेक्जर्स मोस्टली आप छोटे बच्चों की दवाइया में देखेंगे छोटे बच्चों की जितनी भी दवाइयां होती है वो मोस्टली एलेक्जर्स होती है लाइक एग्जाम्पल बताऊं तो पैरासिटामोल एलेक्जर सुना होगा आपने पिपराजिन सिट्रेट सुना होगा जिसको हम अपना लोकल लैंग्वेज में फिनार्गन बोलते हैं हो गया लिक्विड प्रिपरेशन होता है रिलीफ ऑफ कफ कफ को रिलीफ करता है डेमोलेंट सेडेटिव और एक्सपेक्ट्रेंट एक्शन होता है इसका मतलब हम मोस्टली इसको कफ में यूज करते हैं जब कफ होता है शुड बी टेकन इन स्मॉल डोजेस स्किप्ड एंड सॉलिड स्पोज स्लोली हम इसको धीरे धीरे लेते हैं और ये शिप्ड करके लेते हैं मतलब सिर्फ बोले तो एक एक ऐसे करके ठीक है कोडिन एग्जाम्पल इसका हो गया कोडिन नेक्स्ट आता है हमारा ड्रॉप्स ड्रॉप्स पिडियट्रिक यार आपने देखा ही होगा नहीं देखा है तो विटामिन डी थ्री के ड्रॉप्स होते हैं वो हो गया लिक्विड लिक्विडोज फॉर्म होता है पिडेट्रिक पेशेंट के लिए होता है एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो ड्रॉपर से होता है ये ड्रॉपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिनाइल फेरेन एंड क्लोरोफिन पिडेट्रिक ड्रॉप ये इसके एग्जाम्पल हो गए मोनोफेजिक लिक्विडोज फॉर्म जो है एक्सटर्नल यूज किए जाते हैं एक्सटर्नल में जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड फॉर्म है वो है लिनिमेंट जंडूबाम एग्जाम्पल हो गया लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन मतलब बॉडी के बाहर लगाए जाते हैं अप्लाइड इन द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमेशा लिनिमेंट को हम फ्रिक्शन के साथ लगाते हैं और रब करते हुए लगाते हैं शुड नॉट बी अप्लाइड टू द ब्रोकन स्किन इसको ब्रोकन स्किन पे यूज नहीं करते ये दो पॉइंट जो है वो याद रखना है एग्जाम्पल हो गया इसका कैम्फर फॉर लिनिमेंट लोशन लिक्विड प्रिपरेशन होता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होता है लेकिन इसको विदाउट फ्रिक्शन के साथ लगाते हैं और कंटेन एलकोहल एंड ग्रेसलेन एल्कोहल करता है एग्जाम्पल हो गया इसका बॉडी लोशन मोनाफेजिक लिक्विड फॉर्म इन यूज इन ओरल कैविटी जो हम ओरल कैविटी के द्वारा यूज करते हैं माउथ वॉश अब माउथ वॉश बताओ कि हम ओरली लेते हैं या फिर इंटरनली इंटरनली लेते हैं या एक्सटर्नली लेते हैं लेते तो हम तो तो इसको इंटरनली है बट इसको अंदर नहीं ले जाते बस हम मुंह से बाहर कर देते हैं इसका मतलब इसका यूज क्या हो गया एक्सटर्नली हुआ एक्वा है प्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर है क्लींस एंड द बक्कल कैविटी बक्कल कैविटी को साफ करने में और खुशबूदार बनाने में यूज होता है शुड बी डायल्यूटेड विद वाटर बिफोर यूज यूज करने से पहले हम इसमें पानी मिलाते हैं एग्जाम्पल हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश गार्गल्स एक्वा सोल्यूशन है रिलीज सोरनेस इन माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन जब हमारा थ्रोट में इंफेक्शन होता है उस टाइम पे हम यूज करते हैं ब्राउट इंटूअ क्लोज कॉन्टेक्ट विद द म्यूकस मेमर ऑफ द थ्रॉड एंड रिटेन स्पिट आउट थोड़ी देर तक हम गले के अंदर थ्रोट के पास कॉन्टेक्ट में रखते हैं और कुछ सेकंड बाद उसको स्पिट आउट कर देते हैं कंसेंट्रेटेड फॉर्म होती है डायल्यूट विद वार्म वाटर यूज यूज करने से पहले हल्के गर्म पानी के अंदर हम इसको मिला लेते हैं एग्जाम्पल हो गया हमारा पोटेशियम क्लोरेट एंड फिनॉल गार्गल नेक्स्ट आता है हमारा गार्गल ये एग्जाम्पल है गार्गल्स के आप देख सकते हैं बिटाटिन गार्गल हो गए ये पोविडिन इसको भी हम बिटाडिन गार्गल ही बोलते हैं थ्रोट पेंट थ्रोट पेंट क्या होता है लिक्विड प्रिपरेशन माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन माउथ और थ्रोट में इन्फेक्शन होता तो इसका एग्जाम्पल जो हो गया वो बैंडल्स पेंट हो गया इसको हम ब्रश के साथ अप्लाइड करते हैं इसको थ्रोट पेंट भी बोलते हैं थ्रोट स्प्रे थ्रोट स्प्रे हो गया लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग है व्हीकल में भी वॉटर एल्कोहल और ग्रेसरीन इसके अंदर जो व्हीकल यूज किया जाता है वो एल्कोहल ग्रेसरीन या फिर हमारा वाटर होता है अप्लाईड टू द नोज और थ्रोट विथ एन एटोमाइजर और नेबोलाइजर एग्जाम्पल हो गया हमारा एट्रोफिन स्प्रे मोनोफेजिक फॉर्म जो है जिनको हम बॉडी कैविटी के अंदर यूज करते हैं नेजल ड्रॉप एक्वा सोल्यूशन होता है नाक के अंदर ड्रॉपर के द्वारा लगा डाला जाता है एंटीसेप्टिक लोकल एंड डीओ एंडोनज प्रॉपर्टी होती है एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीमेटाजोलिन नेजल नेजल ड्रॉप ये ड्रॉप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आई ड्रॉप आई ड्रॉप जो है वो इंटरनली यूज होता है तो स्टेल एक्वस और ऑयली सोल्यूशन होता है आंखों के अंदर यूज किया जाता है स्ट्राइल होता है क्योंकि हमारी बॉडी कैविटी के अंदर जाता है बहुत नाजुक चीज के अंदर जा रहा है इसलिए इसको, इसको स्ट्राइल करके रखते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन है फ्री फ्रॉम फॉरन पार्टिकल फॉरन पार्टिकल से फ्री रहता है इसलिए हम इसको स्ट्राइल बोल रहे हैं ग्लास कंटेनर कंटेनर ड्रॉपर विथ रबर रेड और प्लास्टिक कंटेनर ये कंटेनर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसके साथ कोई रिएक्शन ना हो एंटीसेप्टिक एनोस्प्टिक एंड एंटी इन्फ्लामेट्री मेडिट्रिक और मेोटिक इस तरह की दवाइयां होती है इसका एक्शन इस तरह का होता है एग्जाम्पल के लिए सिप्रोफ्लॉक्सीडन आई ड्रॉप एंटीसेप्टिक है आई लोशन हो गया एक्वा सोल्यूशन होता है वॉशिंग दी आईज इसका यूज आंखों को धोने के लिए किया जाता है कंसेंट्रेटेड फॉर्म करने से पहले हम इसको पानी के अंदर डालते हैं आइसोटोनिक फ्री फ्रॉम फॉरन पार्टिकल फॉरन पार्टिकल से फ्री होता है एग्जाम्पल हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड आई सोल्यूशन एंटीसेप्टिक डाउचेस डाउच क्या होता है मेडिटेड सोल्यूशन है रिजिंग बॉडी कैविटी एज मोज रोजाइना और यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर बॉडी कैविटी के पास जाता है नोज हो गया वेजाइनल हो गया और यूरिनरी ब्लैडर से कॉन्टेक्ट में आता है जो होता है उसको वेजाइना बोलते हैं एंडल के लिए हम यूरिनरी ब्लैडर करते हैं एंड नेजल डाउचेस के लिए नोज में होता है इरीगेशन एंड वेजाइनल डाउचेस स्ट्राइल इन नेचर ये नेचर में स्ट्राइल होता है एंड पोटेशियम पर मैगनेटल डाउट एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया हमारा पोटेशियम पर मैगनेट वेजाइनल इसका हम यूज कई बार अपनी योगा में भी करते हैं फॉर यूज टू नेटिपो टू फैसिलेट नेज जला नीति इन योगा इरीगेशन इरीगेशन का यूज मोस्टली हमारा सर्जरी के टाइम पे होता है जब हमारा ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा हो तो उस टाइम पे हम इरीगेट करते हैं फॉर स्टॉप द्लड ब्लड को रोकने के लिए प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इरीगेशन इरीगेशन का यूज कुछ इस तरह से किया जाता है ये इरीगेशन सोल्यूशन है ये हमारा जो हमारा ब्लड बॉडी uh, है वो है एंड ये हमारा कैथर ड्रेनेज बैग है यहां से हमारा प्योर जाएगा अप्लाई होकर के वो यहां से निकल जाएगा नेक्स्ट आता है हमारा एनिमा एनिमा क्या होता है ये हमारा एक्वास ऑयली सॉल्यूशन ऑयली सॉल्यूशन या सस्पेंशन होता है इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं रेक्टम के थ्रू परगेटिव सेडेटिव एंटी एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी हेलमेंटिक इफेक्ट वो करता है एक एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द लोअर बॉल एक्जाम्पल हो गया हमारा बेरियम सल्फेट एंड एनिमा इसको हम कुछ इस तरह से यूज करते हैं आप जैसा कि देख पा रहे हैं प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एनिमा एनिमास को कुछ इस तरह से हम यूज करते हैं बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म वर्ड में लिखा है बायोफेजिक यानी कि दो फेज होंगे इमल्सन एंड सस्पेंशन इमल्सन की बात करें तो बायोफेजिक हाइड्रोजीनियस सिस्टम होता है टू इमिसिबल लिक्विड का यूज हुआ है टू इमिसिबल लिक्विड यानी कि दो लिक्विड आपस में जो ना मिल पाए कौन कौन से वाटर एंड ऑयल कभी भी आप देखोगे वाटर और ऑयल आपस में नहीं मिल पाते हैं मिक्सड विद ईच अदर बाई द एडिशन ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करके हम इनको आपस में मिलाते हैं इमल्स आर ऑफ टू टाइप्स इमल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल एग्जाम्पल इसका लिक्विड पैराफिन इमल्सन लैग कॉमन इमल्सन आर मैन्यूज एग एंड आपने म्यूनिज देखा होगा उसको विदाउट इमल्सिफायर वो ऐसा दिखता है इमल्सिफायर बनने के बाद वो हमारा म्यूनिज अच्छा होता था एग मिल्क ये सब हमारे इमल्सन के एग्जाम्पल है वाटर वाटर एंड ऑयल आफ्टर द एडिशन ऑफ दिफायर ये कुछ इस तरह का दिखता है सस्पेंशन बाइफेजिक हाइड्रोजीनियस सिस्टम होता है फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड और डिस्पर्ज न लिक्विड व्हीकल ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है एग्जाम्पल की बात करें तो डाइजीन एंड डाइजीन एंड जेल्सिल एंटाड एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए कैलामाइन लोशन प्रोटेक्टिव पेरेंटल एडमिशन के लिए वैक्सीन हमेशा जब भी हम सस्पेंशन यूज करते हैं तो उसको यूज करने से पहले हमें शेक लिख लेते हैं जितने भी हमारे सस्पेंशन होते हैं उसमें ये लाइन आपने जरूर देखी होगी सेक वेल बिफोर यूज यूज करने से पहले आप इसको अच्छे से शेक कर लें फॉर बेसिक प्रिपरेशन द लेबलिंग इज मैंडेटरी ये लेवल मैंडेटरी होता है समरी हाँ, आज जो हमने पढ़ा है वो है लिक्विड डोजेस फॉर्म जिसके अंदर मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक डिफरेंशिएट बिटवीन वन ऑफ मोनोफेजिक एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म